कर चुके थे, जिसमें कल हम लोगों ने की थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एरिया थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब सपोज कीजिए अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी और एक ट्राइंगल है पीक्यूआर, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो अगर ये दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है और इनके एरिया का रेशियो अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल आएगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है और ए सी के करस्पॉन्डिंग बी आर है, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिकली चलेंगे, फर्स्ट चलते हैं गिवन। गिवन क्या है इसमें आपको, गिवन इसमें आपको है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। नेक्स्ट है टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है आपको कि इन दोनों का जो एरिया है उसका रेशियो अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके स्क्वायर के समथिंग इक्वल है। तो एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पीक्यूआर, दिस इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो एबी अपॉन पीक्यू This is equal to BC upon QR square and this is equal to AC upon PR square. तो given हो गया, तो prove हो गया। अब इसमें हमें एक construction करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को area find out करना है और area find out करने के लिए हमें एक perpendicular की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक perpendicular बना रहा हूँ AM और एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं पीए। तो दो परपेंडिकुलर मैंने बनाया, ईएम परपेंडिकुलर बनाया बीसी के और पीएन परपेंडिकुलर टू क्यूआर। तो ये आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएन परपेंडिकुलर टू क्यूआर। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एबीसी जो आपका ट्राइंगल है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ एबीसी दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां से आपका एरिया ऑफ एबीसी आ जाएगा हाफ बेस इज बीसी एंड हाइट इज एम, BC into AM. This is equation number one. उसके बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल PQR। तो एरिया ऑफ PQR दिस इज हाफ बेस है आपका QR और हाइट है PM। This is equation number 2. Now divide equation 1 by 2.
तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर, एबीसी का एरिया हाफ बीसी इंटू एन, और पीक्यूआर का एरिया हाफ क्यूआर इंटू पीए। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे आपके। सो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर एबीएम और पीक्यूएन में एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, उसका रीजन क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये आपको गिवन है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये चीज आपको गिवन थी कि एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है और सिमिलर ट्राइंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे। नेक्स्ट, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, जो ये एम है और ये एन है दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों है 90 डिग्री, बोथ 90। तो एंगल बी एंगल क्यू भी इक्वल है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और एंगल एम और एंगल एन इक्वल है क्योंकि यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए। देयरफॉर अब इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल आ गए, और मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे सिमिलैरिटी के। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल एबीएम विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएन। ट्राइंगल एबीएम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएन। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सभी एंगल्स और सभी साइड्स प्रोपोर्शनल, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पर भी साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, दस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। रीजन, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो दिस इज थर्ड, और ये आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें बताया कि जो ट्राइंगल एबीसी है और जो ट्राइंगल पीक्यूआर है वो सिमिलर आपको गिवन है। नेक्स्ट आप लिखेंगे दैट वी नो दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है तो इसकी साइड भी प्रोपोर्शनल होगी, मतलब एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनकी साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो गई है। एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5।
अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 का यूज करेंगे बाय इक्वेशन 4 एंड 5. सो नेक्स्ट इज बाय 4 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 देखिए ab / bq am / bn के इक्वल है और ab / bq इनके इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो ab / bq इज इक्वल टू bc / qr इज इक्वल टू ac / pr इज इक्वल टू am / pn. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 6, तो पुट 6 इन 3, पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 3. तो 6 इक्वेशन को अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो am / pn जो है, am / pn को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ bc / qr से. तो उसी का हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ abc / एरिया ऑफ bqr. दिस इज एरिया ऑफ abc / एरिया ऑफ bqr. दिस इज इक्वल टू bc / qr है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे bc / qr इंटू am / pn है और am / pn bc / qr की इक्वल है, तो उसको हम उसके इक्वल लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ bc / qr. तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ abc / एरिया ऑफ bqr, दिस इज इक्वल टू bc / qr स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. अब आपको पता है फिफ्थ इक्वेशन में ab / bq इक्वल टू bc / qr इक्वल टू ac / pr था, तो हमें प्रूफ क्या करना था कि एरिया जो है आपका एरिया ऑफ abc / एरिया ऑफ bqr वो तीनों साइड जो आपकी साइड से प्रोपोर्शनल साइड उनके स्क्वायर की उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. यहाँ पर हमने सिर्फ bc / qr की के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ किए, तो अब इन दोनों साइड को भी हम लोग इसके इक्वल प्रूफ करेंगे. तो यहाँ पर आपका जो आया है bc / qr स्क्वायर, तो इसका यूज करेंगे हम इसमें. तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 7. तो एरिया ऑफ abc / एरिया ऑफ bqr, दिस इज इक्वल टू, ये है आपका bc / qr स्क्वायर. bc / qr आपका ab / bq के इक्वल है, तो ab / bq स्क्वायर. और bc / qr आपका ac / pr के इक्वल है, तो ac / pr स्क्वायर. और एक चीज में आप याद रखिएगा कि इस थ्योरम का जो नाम है आपका एरिया थ्योरम, ऐसा पर्टिकुलर कहीं डिफाइन नहीं है एरिया थ्योरम. बोर्ड में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, आप लर्न कर ले तो अच्छा है, लेकिन अगर आप लर्न नहीं भी करते हैं तो स्टेटमेंट आपको बोर्ड में मिलेगा एज इट इज, और यही आपको फिर प्रूव करना होगा. तो देख लीजिए एक और बार, यहाँ पर आपका रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स. तो यहाँ पर गिवन था आपका ट्राइंगल abc और ट्राइंगल bqr, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. प्रूव आपको करना था कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं मैं और इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो जो करस्पोंडिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल ही होगा, जो इसका एरिया का रेशियो होगा. तो इसीलिए abc / bqr का जो एरिया का रेशियो है, दैट इज ab / bq स्क्वायर, bc / qr स्क्वायर एंड ac / pr स्क्वायर. उसके बाद एरिया यहाँ पर था, एरिया निकालने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, AM परपेंडिकुलर मैंने बनाया BC के और PN बनाया QR के. तो AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PN इज परपेंडिकुलर टू QR. तो एरिया ABC का हमने लिया, ABC का एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है आपका BC और हाइट है AM. सिमिलरली PQR का हमने निकाला, बेस है आपका QR और हाइट है PN. तो दिस इज हाफ QR इनटू PN. इन दोनों को आपने डिवाइड किया क्योंकि हमें ABC / PQR चाहिए था, तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया.
डिवाइड किया तो आपका हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का एरिया आ गया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। उसके बाद लेफ्ट वाले ट्राइंगल में लिए ए बी एम आई पी क्यू एन, यहाँ पर आपका एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद एंगल एम और एंगल एन इक्वल है क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आपके जो लेफ्ट वाले हैं ए बी एम और पी क्यू एन दोनों इक्वल सॉरी सिमिलर हो गए। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन, क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल हो जाती है। सो वी नो डेट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये आपको पता है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो इसकी जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ये जो आपकी फिफ्थ इक्वेशन है और ये जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इनके इक्वल है, यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू एम अपॉन पी एन की इक्वल है, मतलब ये चारों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, इस सिक्स को मैंने पुट किया है इक्वेशन नंबर थ्री में। सिंपली मैंने किया क्या है कि जो एम अपॉन पी एन है ना उसके प्लेस पे मैंने बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया, तो इसे एम अपॉन पी एन को मैंने रिप्लेस किया बी सी अपॉन क्यू आर से बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर सिक्स। तो सिक्स को जब आप थ्री में पुट करेंगे तो ये आपका आ जाए बी सी अपॉन पी क्यू आर का एरिया दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ये वाला एम अपॉन पी एन रिप्लेस हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर से। अब बी सी इंटू बी सी हो गया बी सी स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर आ गया एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। अभी आपकी फिफ्थ इक्वेशन है, ये सेवन्थ है, फिफ्थ और सेवन्थ का जो हमने यूज़ किया तो बी सी अपॉन क्यू आर आपका ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है तो ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है तो ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है आपका। तो इस तरीके से आपकी वाली थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कल आप लोगों की नेक्स्ट थ्योरम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए और उनके सभी अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।